नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ब्रिटिश राजघराने की चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ, जी हाँ, ब्रिटिश राजघराने में काम करने वाले हाउसकीपर्स की सैलरी भी लाखों में होती है। हमारे देश में जहाँ हाई प्रोफाइल जो जॉब्स होती हैं, चाहे इंजीनियर्स हो, उनको तक लैक्स में सैलरी मिलती है, लेकिन एलिजाबेथ के महल में काम करने वाले जितने भी हाउस होल्ड कीपर्स होते हैं उनको लाखों में सैलरी मिलती है। अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने विंडसर कैसल के लिए हाउसकीपिंग असिस्टेंट की उन्हें ज़रूरत है और इस नौकरी के लिए तमाम एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस आ रही हैं। और लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाउसकीपिंग असिस्टेंट की जो सैलरी है वो लाखों में है। जी हाँ, और तकरीबन 18 लाख रुपए हर महीने बतौर हाउसकीपिंग असिस्टेंट को मिलेगा और इसके साथ ही साथ उसे तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। अब इस जॉब की क्वालिफिकेशन क्या है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, अब ये हम आपको समझाते हैं। इस जॉब की जो योग्यता है, इसमें जो एप्लीकेंट है, जो ये जॉब करना चाहता है, उसकी मैथ्स और इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही साथ उसे इंटीरियर और बाकी आइटम्स को क्लीन करके उसे एक अच्छे तरह से खूबसूरत तरीके से सजाने की कला भी आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उस एप्लीकेंट को पहले 13 महीनों की उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और 13 महीनों की इस ट्रेनिंग के बाद उसे उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान ये तो उसकी सैलरी हो गई, जहाँ उसे 18 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद उसे परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ राजघराने में करने वाले हाउसकीपिंग असिस्टेंट को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। अब वो अन्य सुविधाएं अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो हमारे लिए वो एक तरह से लग्जरी सुविधाएँ कहलाएंगी। और ये लग्जरी सुविधाएँ इस प्रकार हैं कि हाउसकीपिंग असिस्टेंट को साल में 33 दिन की पहले तो छुट्टियाँ मिलेंगी, इसके साथ ही साथ उसे ट्रैवलिंग के लिए अलग खर्चा मिलेगा, जिम, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट की भी उसे सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ उसे पूरी उम्र की, मतलब ताउम्र अगर वो परमानेंट हो जाता है इस जॉब के लिए, तो उसे आगे इस जॉब के लिए पेंशन भी दी जाएगी। फिलहाल आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 28 अक्टूबर की है। तो इस खबर से जो ये खबर है, इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि एलिजाबेथ के महलों में भी काम करने वाले जो हाउसकीपर्स होते हैं, जो घरेलू काम करते हैं, बाकी चीज़ें साफ़ करने वाले जो हाउसकीपर्स होते हैं, देखरेख करने वाले जो हाउसकीपर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी लाखों में होती है।